हेलो एंड वेलकम बैक इन तैयारी नगर। एक बात याद रखिए दोस्तों, जो सिर्फ पानी से नहाता है ना, वो सिर्फ लिबास बदलता है। जो सिर्फ पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो गाइज, हम लोग भी आज इतिहास बदलने वाले हैं। हम भी मेहनत करेंगे और एक अच्छे खासी जगह पर हम पहुँच कर दिखाएंगे। चलिए, मैं शुरू करने वाला हूँ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है यंत्र उपकरण और उपयोग। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक देखिए, जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट को शुरू करने वाले हैं हम लोग आज, ठीक है। यंत्र उपकरण और उपयोग जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, वही सब टॉपिक के लिए हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग मैथ मीटर। देखिए, मैथ मीटर, मैथ मीटर का जो यूज है वो क्या है, वायुयान की चाल। वायुयान की जो चाल होती है उसको नापने के लिए हम मैक मीटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। मैक मीटर, मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए। मैनोमीटर जो क्या करते हैं, तो वो गैस का दाब मापते हैं, ठीक है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने का एक यंत्र होता है। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर से हम वाहनों में दूरी मापने का यंत्र, ठीक है। ऑडोमीटर से क्या करते, तो वाहनों में हम दूरी मापते हैं, ये दूरी मापने वाला यंत्र है इसमें वाहनों में। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापने का यंत्र। ओम मीटर का है, तो ओम मीटर से हम विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं, ठीक है, ये इसका यंत्र है। क्लास अभी हम देख रहे हैं फिजिक्स, फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम उसको ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे जीएस का, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ओके। और फिलहाल भी मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर्स जब हम लोग को दिया जाए, तो आई थिंक मैं उसका टाइम रखता हूँ रात के 9 बजे, ठीक है, 9 या फिर रात के 10 बजे मैं क्लियर कर दूंगा। अभी जब भी है मैं क्लियर कर दूंगा, करंट अफेयर्स वहां दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में आपका फोनोग्राफ, फोन ध्वनि लेखन के काम आने वाला यंत्र, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि ध्वनि लेखन का जो काम होता है उसका यंत्र है फोनोग्राफ। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, हम इसमें क्या करते हैं, झूठ का पता लगाते हैं, ठीक है। देखिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि जैक बोर्ड, जेक जो झारखंड बोर्ड है एकेडमिक कंसल्टेंसी, उसमें जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैथ्स का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, ठीक है, और आपका साइंस का है, ठीक है, वो सारा का सारा मतलब क्लास 10th का, क्लास 9th और 10th, ये दोनों चीज का तैयारी, जो मेरा एक चैनल है जिसका नाम है क्रैक जैक, ठीक है, इसका नाम है क्रैक जैक, ठीक है। अभी मैंने ये हाल ही में क्रिएट किया है, कुछ दिन पहले ही क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसमें क्रैक जैक में मैं अभी डालने वाला हूँ वीडियो, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्लास 10th के बारे में ही रहेगा। क्लास 10th और 9th के बारे में जो रहेगा सिर्फ उसी के बारे में पढ़ाई जाएगी, ताकि आप लोग जो जैक बोर्ड का जो प्रिपरेशन है, सिलेबस है, वो हम बिल्कुल क्लियर कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है तैयारी नगर में, और क्रैक जैक में आपको सिर्फ जो जैक बोर्ड का सिलेबस है वो तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर में क्या है कि उच्च ताप मापने वाला यंत्र, ठीक है। रेनबोज, रेनबोज से हम क्या करते हैं, देखिए, वर्षा मापने का यंत्र है ना, वर्षा, वर्षा माप की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र। सिस्मोग्राफ से हम मापते हैं कि भूकंप कितनी फास्ट आई, कब गई, है ना, उसको मेल किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र, मोटर गाड़ियों में जो गति स्पीड होता है उसको मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पीडोमीटर। टैकोमीटर, टैकोमीटर का यूज है वो क्या है, वायुयान, वायुयान की गति मापने का यंत्र होता है टैकोमीटर। यूडोमीटर, यूडोमीटर, यूडोमीटर यूज करते हैं वर्षा मापक यंत्र। और वैक्यूम क्लीनर, इसका यूज करते हैं धूल साफ करने वाला यंत्र, धूल साफ करने वाला यंत्र। तो गाइस, ये हमारा पार्ट टू भी आज फिनिश हो गया, ठीक है। जो यंत्र उपकरण और इसके यूज में जो क्वेश्चन आने वाले थे मैंने वो सारा यहाँ कवर किया है, आप इसको जरूर जरूर देखें, ठीक है। और ये आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। अब हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में, और कुछ नए बेस्ट चीजों को लेकर। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।